और मस्जिद के बाहर जो है बहुत बड़ा सीन है, बहुत वसी है ये जगह, ये देखें। और मस्जिद भी काफ़ी बड़ी इन्होंने बनाई हुई है। तो अज़रबैजान कभी आप आएँ बाकू में तो ये मस्जिद देखने ज़रूर आइएगा। ये सामने जो है रोड बनी हुई है वो बस तो जा रही है, और ये देखें ये इसका रास्ता है हैदर अली मॉस का। एक घंटे की ड्राइव के बाद जो है मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सो व्यूअर्स, फाइनली हैदर अली मॉस्क जो है मैं पहुँच चुका हूँ। एक घंटे की बस राइड के बाद जो है मैं हैदर अली मॉस्क यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बहुत काफ़ी पुरानी बनी हुई है। बस है इसका नंबर है 18, तो ये याद रखिएगा कि ये बस जो है सिर्फ यही आती है यहाँ तक इस मस्जिद तक, 18 नंबर बस जो है। उस सड़कें वो नीचे बनी हुई है, ये देखें कोई तो ऐसे जा रहे हैं तो नीचे की तरफ कुछ चढ़ाई पर है, कुछ इस तरह की रोड है यहाँ पर। और ये मस्जिद है देखें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो एक घंटे की बस राइड के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब मैं जाता हूँ इनसाइड। सो आप जो है वो देखकर रोड क्रॉस कीजिएगा, ये देखें गाड़ियों की स्पीड यहाँ बहुत तेज़ होती है। ये देखें जी खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर, ये है जी हैदर अली मस्जिद। यहाँ पर मैं पहुँच तो गया हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये इसका दरवाज़ा बंद है, सिर्फ जुम्मे वाले दिन जो है वो ओपन करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि रेस्ट एरिया इस वाली साइड पर, और ये है जी मस्जिद हैदर अली मॉस्क, लेकिन ये सिर्फ जुम्मे की नमाज़ के लिए ही वो कहते हैं खोलते हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं मुझे यही बता रहे थे सिक्योरिटी में जो है, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जैसे ब्लू मॉस्क है ना टर्की में, सेम उसी तरह की बनी हुई है। देखिए चार इसके मीनार हैं और ये गुंबद है, और ये इसका दरवाज़ा है सामने जो है स्टेयर्स के साथ, अब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे। इसके अलावा एलिवेटर भी है मस्जिद के अंदर जाने तक जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने वो फाउंटेन के लिए बनाया, आई थिंक ये सब। इर्द गिर्द का जो मंजर है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें इलाका जो है ये इतना प्यारा बना हुआ है, ये देखें इस तरह का जो सीन है मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा लाइफ में, क्योंकि मैं अभी यूरोप ट्रैवल नहीं किया मैंने अभी। और ये ऐसे ही है जैसे टर्की में इन्होंने घर वगैरह बने हुए हैं और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपार्टमेंट्स। ये देखें ये मेरे जो हैं ये बने हुए हैं जिस हाउस, ये घर बने हुए हैं, उधर अपार्टमेंट हैं और उधर बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो काफ़ी बड़ा ये शहर है, आबादी इसकी काफ़ी कम है, इस मुल्क की आबादी आई थिंक 10 मिलियन है, और शहर काफ़ी प्यारा बना, इन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जो है ना हर चीज़ को बनाया हुआ है। और यहाँ की जो मज़े की बात यह है कि यहाँ की पुलिस भी बड़ी फ्रेंडली है। अभी मेरी एक भाई से बात हुई थी जो पुलिस में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मेरे साथ जो है मुझे गाइड किया उन्होंने। और मस्जिद के बाहर जो है बहुत बड़ा सीन है, बहुत वसी है ये जगह, ये देखें। और मस्जिद भी काफ़ी बड़ी इन्होंने बनाई हुई है। सो अज़रबैजान कभी आप आएँ बाकू में तो ये मस्जिद देखने ज़रूर आइएगा।
रोड बनी हुई है, वो बस तो जा रही है। और ये देखिए ये इसका रास्ता है हैदर अली मॉस का, इन्होंने वो बंद किया हुआ रास्ता, अभी हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ जुम्मे वाले दिन ही, वो कहते हैं कि मस्जिद जो है ओपन की जाती है। ये देखें यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी हैं और एलिवेटर भी हैं ये ऊपर जाने के लिए रास्ता। अभी ये देखें बंद किया हुआ है। और बाहर बहुत बड़ा ये स्क्वायर बना हुआ है, और ये मेरा ख्याल है कि ये सिटी जो है ना सिटी सेंटर से बहुत दूर है। ये है हैदर अली मॉस्क आज़रबाईजान में। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और ये साइड का एरिया